हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई मेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सर्कल का प्रॉब्लम जो जेई मेन एग्जाम में 10 अप्रैल को 2019 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द सर्कल x2 + y2 = 1 एक्सटर्नली, मींस इस सर्कल को कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है एंड आल्सो टचेस द वाई एक्सिस, अब वो y एक्सिस को भी टच कर रहा है साथ के साथ एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो डियर स्टूडेंट, वो कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। ठीक, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें उस सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करे और साथ के साथ y एक्सिस को भी टच करे एंड दैट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो कहां लाई करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, लेट इसके बारे में सोचते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक काम करता हूँ कि एक डायग्राम, रफ डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, नाउ मैं सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ जिसका रेडियस कितना है, 1 है। सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर 0.0 आ गया, रेडियस 1 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल that touches this circle externally, जो इसको कहाँ टच कर रहा है, externally टच कर रहा है and also touches the y-axis, और इसको y-axis पे भी टच कर रहा है। ठीक स्टूडेंट, मान लो सच टाइप ऑफ सर्कल। ठीक, अब इस सर्कल के मुझे सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात का मैं ध्यान रखना है कि सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। तो अब बात आती है कि लोकस अगर फाइंड आउट करना होता तो हमें क्या तरीका होना चाहिए लोकस फाइंड आउट करने का। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना चाहिए, जिस भी पॉइंट का मुझे लोकस निकालना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके कोऑर्डिनेट h, k अज्यूम करने चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट के हमने लोकस के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम कर लिए, h, k अज्यूम कर लेने चाहिए, है ना। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड स्टेप हमें करना क्या चाहिए, h, k को इन्वॉल्व करते हुए कंडीशन मुझे जनरेट करना है। ठीक स्टूडेंट, अब कंडीशन कैसे जनरेट करेंगे इस बात को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कह सकता हूं कि टचिंग जो पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन है वाई एक्सिस सर्कल के लिए टेंजेंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कराऊंगा, ठीक, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। नाउ एक और पॉइंट कि यहां से अपने पास ये जो पूरी डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एच, क्लियर। और इसको मैं कह सकता हूँ दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के भी इक्वल है। एक और बात कि ये सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन और यहाँ से कॉन्टेक्ट पॉइंट को, ठीक, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और साथ में मान लो ये सेंटर C1 है और C2 है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो कंडीशन क्या आता है, C1 C2 = R1 + R2। ठीक, मान लो सर्कल का रेडियस R1 हो गया, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है। ठीक, इस सर्कल का रेडियस क्या है, R2 ले लिया, तो R2 = कितना आ गया डियर स्टूडेंट, h आ गया। और एक और बात, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो h और k हमारे पास दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, नाउ अब C1 C2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो कितना आ जाएगा, √h - 0² + k - 0² दैट इक्वल्स टू R1। इसका रेडियस कितना हो गया, 1 आ गया, प्लस इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, h आ जाएगा। ठीक, नाउ तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, √h² + k² दिस इज इक्वल्स टू 1 + h। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, h, k को इन्वॉल्व करते हुए कंडीशन जनरेट कर दी, एक्चुअली यही हमारा आंसर है, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट h, k। बट अकॉर्डिंग द ऑप्शंस अगर मैं चेक करता हूं तो आंसर क्या है, इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो इट मीन कि इसको मुझे फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, h² आ जाएगा प्लस k² और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + h² + 2h। ठीक, क्लियर। नाउ h² से h² कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, k² = आ जाएगा 1 + 2h। क्लियर स्टूडेंट, नाउ k का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो आप इस साइड देख सकते हैं, तो k = कितना आ जाएगा, ±√1 + 2h। दिस इज नाउ लोकस ऑफ h, k, लोकस ऑफ h, k।
क्या रहेगा, हम एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, एच को एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को वाई से रिप्लेस करते हैं। नाउ वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। एक और बात हमें ध्यान रखना है कि आप प्लस माइनस आ रहा है और सर्कल का है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं ठीक, एच कोमा के कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है ना। सर्कल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेंटर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट मीन कि जो वाई का वैल्यू कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, तो माइनस साइन को तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन एक तो वाई इज इक्वल टू दे रखा है और एक फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, तो फोर्थ तो पॉसिबल नहीं होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ऑब्वियस बात है कि एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज सर्कल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर स्टूडेंट, होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। एक आसान सा प्रॉब्लम था और एक अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, मैं कुछ बातों को रिवाइज कर देता हूँ, कि लोकस निकालना होता है तो लोकस निकालने का एक्चुअली तरीका क्या होता है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके कोऑर्डिनेट एच कोमा के अज्यूम करा करो, देन एच कोमा के को इन्वॉल्व करते हुए कंडीशन जनरेट करो। ठीक, फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर दो सर्कल एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, अगर टू सर्कल अगर एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, तो कंडीशन क्या आता है कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी सी वन सी टू इज इक्वल टू कितना होगा, आर वन प्लस आर टू होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम में सिर्फ दो ही कंसेप्ट यूज हो रहे थे, एक तो ये कंसेप्ट यूज हो रहा था, दूसरा लोकस निकालने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, एक ये वाला पॉइंट यूज हो रहा था। होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है। थैंक यू।